जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ खेलने वाली है और इस पहले मुकाबले में आयरलैंड टीम को बुरी तरह से कुचलने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और इस प्लेइंग 11 में एक से बढ़कर एक खतरनाक और धुरंधर खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है जो इस पहले मुकाबले में आयरलैंड को बुरी तरह से कुचल कर रख देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भारत और आयरलैंड के बीच वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और इस मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन खिलाड़ियों को अपनी 11 में शामिल किया है। इसके अलावा आप इस मुकाबले को लाइव अपने मोबाइल और टेलीविजन पर कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बता दें कि वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला आज यानी कि 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलने वाली है और ये मुकाबला अमेरिका के नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा जो कि भारतीय समय अनुसार रात को 8 बजे से शुरू होगा। दोस्तों, बता कि भारत और आयरलैंड के बीच ये मुकाबला बेहद ही अहम होने वाला है और भारतीय टीम जीत के साथ वर्ल्ड कप में अपने सफर की शुरुआत करना चाहेगी। आपको बता दें कि 2007 के बाद से भारतीय टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है और इस बार भारतीय टीम हर हाल में वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करना चाहेगी, इसलिए कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में एक मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर इस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो ओपनिंग में कप्तान रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली पारी की शुरुआत करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मुकाबले में भारतीय टीम ने रोहित शर्मा के साथ संजू सैमसन को ओपनिंग में बल्लेबाजी का मौका दिया था, लेकिन उस मुकाबले में संजू सैमसन मात्र 1 रन बनाकर ही आउट हो गए थे और भारतीय टीम का ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फ्लॉप रहा। ऐसे में वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों, बता दें कि रोहित शर्मा बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि दोस्तों, रोहित शर्मा अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में भी रोहित शर्मा मात्र 23 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले आप सभी ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में देखा होगा जहां पर कप्तान रोहित शर्मा ओपनिंग में आकर तूफानी अंदाज से बल्लेबाजी करते थे और उन्होंने लगातार 10 मुकाबलों में भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। दोस्तों, बता दें कि रोहित शर्मा के अंदर वो काबिलियत है कि वो अकेले दम पर ही मैच को पलटने का दमखम रखते हैं और ऐसे में उम्मीद है कि रोहित शर्मा जल्द ही अपनी फॉर्म में वापस लौट आएंगे और वर्ल्ड कप में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाएंगे और इस बार टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में भी कामयाब रहेगी। जबकि दोस्तों, बात करें दूसरे ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली की तो दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली अभी गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। आईपीएल के इस सीजन में उन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाया है और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए 741 रन बनाए हैं और ऑरेंज कैप भी अपने नाम किया है। दोस्तों, बता दें कि विराट कोहली टीम इंडिया के खतरनाक बल्लेबाजों में से एक है और बड़े मैचों में तो विराट कोहली का प्रदर्शन और भी लाजवाब रहता है और ऐसे में वर्ल्ड कप में विराट कोहली और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी कमाल कर सकती है। उसके बाद दोस्तों, नंबर 3 पर T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को इस प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। दोस्तों, बता दें कि सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं जो कि मैदान के हर कोने में रन बना सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में आकर मैच को पूरी तरह से पलटने का दमखम रखते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए वार्म अप मैच में सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी की थी और 18 गेंदों का सामना करते हुए 31 रन बनाए थे और ऐसे में अब आयरलैंड के खिलाफ सूर्य कुमार यादव और भी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों, नंबर 4 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों, बता दें कि ऋषभ पंत भी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में ऋषभ पंत ने कमाल की बल्लेबाजी की थी और 32 गेंदों का सामना करते हुए 53 रनों की पारी खेली थी। इसके अलावा आईपीएल के सीजन में भी ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की थी और कई मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल को शानदार जीत दिलाई थी और ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में ऋषभ पंत विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे और टीम इंडिया के लिए मैच विनर खिलाड़ी भी साबित होंगे। उसके बाद दोस्तों, नंबर 5 पर शिवम दुबे को मौका दिया गया है। दोस्तों, बता दें कि शिवम दुबे टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक है। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मुकाबले में शिवम दुबे को खेलने का मौका मिला था जिसमें शिवम दुबे बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन तो नहीं कर पाए थे और मात्र 16 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे ने 2 सफलता हासिल की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि शिवम दुबे ने आईपीएल के सीजन में चेन्नई की तरफ से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया है और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को कई मुकाबलों में जीत भी दिलाई है और ऐसे में अब आयरलैंड के खिलाफ भी शिवम दुबे अपनी गेंद और बल्ले से कमाल का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जबकि दोस्तों, नंबर 6 पर टीम इंडिया के एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों, बता दें कि वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का वाइस कप्तान भी बनाया गया है। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो कि विस्फोटक बल्लेबाजी के अलावा शानदार गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। हालांकि दोस्तों, आईपीएल का सीजन उनके लिए अच्छा नहीं गया और गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फ्लॉप रहे। लेकिन दोस्तों, बता दें कि वर्ल्ड कप के शुरू होते ही हार्दिक पांड्या पूरी तरह से अपनी फॉर्म में
में वापस आ गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए वार्म अप मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 23 गेंदों का सामना करते हुए 40 रनों की पारी खेली थी। इसके अलावा गेंदबाजी करते हुए एक सफलता भी हासिल की थी और ऐसे में अब आयरलैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या और भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद नंबर 7 पर टीम इंडिया के एक और खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को खेलने का मौका दिया गया है। दोस्तों बता दें कि रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के अलावा फील्डिंग में भी अपना जौहर दिखाते हैं और कई मौकों पर रविंद्र जडेजा ने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है और भारतीय टीम को जीत दिलाई है। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए वार्म अप मुकाबले में रविंद्र जडेजा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके थे और बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन बनाए थे। वहीं फिर गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर की गेंदबाजी में 11 रन दिए थे और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। लेकिन दोस्तों अब आयरलैंड के खिलाफ रविंद्र जडेजा भी अपनी गेंद और बल्ले से कमाल का प्रदर्शन करेंगे। जबकि दोस्तों नंबर 8 पर खतरनाक स्पिनर और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। दोस्तों बता दें कि कुलदीप यादव काफी जबरदस्त गेंदबाज हैं और अगर स्पिन ट्रैक मिल जाए तो कुलदीप यादव काफी खतरनाक साबित होते हैं। इसके अलावा कुलदीप यादव बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और कई मुकाबलों में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करके भी दिखाया है। जबकि दोस्तों तेज गेंदबाजी की बात करें तो तेज गेंदबाज के तौर पर नंबर 9 पर अर्शदीप सिंह को खेलने का मौका दिया गया है। दोस्तों बता दें कि अर्शदीप सिंह बहुत ही खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं जिनके सामने किसी भी बल्लेबाज के लिए रन बनाना आसान नहीं होता है। उसके बाद नंबर 10 पर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज और यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। दोस्तों बता दें कि जसप्रीत बुमराह भी शानदार फॉर्म में है। आईपीएल के सीजन में उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है और ऐसे में इस वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह से टीम इंडिया को काफी उम्मीदें रहने वाली हैं। जबकि दोस्तों नंबर 11 पर एक और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को खेलने का मौका दिया गया है। तो दोस्तों वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से होने वाली है। तो ऐसे में आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस मुकाबले में आयरलैंड को हरा पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।